आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहित महेश गुरु। ये जो टॉपिक करने जा रही है इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ये बीकॉम के अंदर फाइनेंस चैप्टर में आता है, बाकी ये 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में भी आता है सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक। तो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फाइंड द अमाउंट एट 6% सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 50,000 ड्यूरिंग 9 मंथ। आपने ईयरली वाइज ज़रूर देखा है क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है जिसको आपने मंथली वाइज देखा है। पहली रियल बात, जब सिंपल इंटरेस्ट निकाला था तो मंथली सॉल्व नहीं होता, वो ईयरली सॉल्व होता है, उसे कन्वर्ट किया जाएगा, उसको समझेंगे। तो प्रिंसिपल सबसे पहले 50,000 रुपीज़ है, उसके बाद रेट हमारे पास 6% है, टाइम 9 मंथ दिया हुआ है, तो 9 मंथ इसको कन्वर्ट करना है ईयरली, तो 12 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, क्योंकि साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो 9/12 डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा 3/4 ईयर। पिछली वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला जो होता था P(R)(T/100 होता था। हमने अमाउंट का भी फॉर्मूला देखा था उसमें, जिसका फॉर्मूला था P1+RT, जो यहाँ से बना था आपका था ये, तो P1+RT/100। 100 नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि बीकॉम लेवल पर ही 100 का यूज़ कम करते हैं, सीधा आर को हम पहले से 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला हुआ P1+RT, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें पावर एन बन जाते पूरे होल में, और सिंपल इंटरेस्ट में टी नीचे आ जाता, टी टाइम होता है हमारा, वहाँ पे एन होता है टाइम हमारा। तो प्रिंसिपल था 50,000, 1+ रेट 6% था ना, सो कन्वर्ट कर लेंगे पहले से 0.06, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 आ जाएगा, तो 0.06 इंटू टाइम है 3/4, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 0.18 डिवाइड में 4, 50,000 1+ इसको डिवाइड करने पे आएगा, कैलकुलेटर से कर सकते हैं आप, 0.045, इसको इंटू कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं 1.045, तो इसको 50,000 से इंटू कर लेंगे तो आंसर आ गया 52,250 रुपीज़, तो अमाउंट निकल गया। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्म लगाते थे ये वाला P/RT, ऐसे भी निकल सकता है। हमने 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे थे और हमें वापसी कितनी मिली, 52,250, तो इसका मतलब 2,250 रुपीज़ क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ऐसे भी निकाला जा सकता है। क्वेश्चन आता है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल सम ऑफ मनी डबल इन 6 ईयर सिंपल इंटरेस्ट में, क्या कह रहा है, कुछ रेट होगा जो हमें नहीं पता, साल का परसेंट है वो। सम मतलब होता है जो पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, कुछ पैसा था जो आपने लगाया उसका आपको डबल मिलने वाला आने वाले टाइम में, वो आपका अमाउंट हो गया डबल, जो आपका क्या है अमाउंट, और कितने साल में मिलने वाला है वो 6 सालों में, किस पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। तो हमारे पास सबसे पहले कैच कुछ भी नहीं दिया, प्रिंसिपल भी नहीं दिया, उसको लेट कर लेंगे, लेट पी रुपीज़ एक्स, हमने मान लिया एक्स रुपये प्रिंसिपल था, तो अमाउंट जो है हमको आपसे जो मिलने वाला है वो है 2x। अमाउंट कितना मिलने वाला है, डबल, एक्स लगाया तो 2x, 100 रुपये लगाएंगे तो 200 रुपीज़ मिलेंगे आपसे। तो टाइम जो दिया हुआ है वो है 6 ईयर, रेट हमें नहीं पता, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो भी सिंपल इंटरेस्ट के, वो फॉर्मूला AP1+RT। तो अमाउंट हमारे पास कितना है 2x, प्रिंसिपल कितना है x, रेट नहीं पता, टाइम 6, तो 6R हो गया, यहाँ 6 रख दिया, R ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई में, तो ये x पूरा जाके डिवाइड हो सकता है इसके पास, तो 2x/x, x कैंसिल आउट हो गया, 1+6R। अब ये वन इधर भेज देंगे, प्लस का है माइनस हो जाएगा, 2-1 = 6R, माइनस करने पर क्या आया 1, इक्वल टू क्या बचा 6R, 1/6 कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड हो जाती है, R है परसेंट में होती है, तो इसको परसेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से इंटू, तो 100 से इंटू करने पे कटेगा 50/3, तो 50/3% हमारा रेट आ गया। एक क्वेश्चन और आता है इसी भी रिलेटेड, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन कर रहे उससे रिलेटेड है, देखो, इट विल टेक हाउ मैनी ईयर फॉर ए सम ऑफ क्वाड्रपल, मतलब 4 गुना इटसेल्फ, जो पैसा आप आज लगाओगे उसका 4 गुना आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है, और कितने परसेंट पर, रेट पर, इतने 10% रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट पर, वो भी, तो यहाँ पे इस बार टाइम पता लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट किया टाइम और रेट में, तो प्रिंसिपल फिर से आप क्या मान लो x, अमाउंट क्या मान लोगे 4x, अमाउंट कितना हो जाएगा 4x, उसके बाद रेट कितना दिया हुआ है
10%। इसे कन्वर्ट कर लेते हैं 10% को 10/100, कन्वर्ट करने पर 0.1, यहाँ 0.0 कैंसिल आउट हो जाएगी, एक 10 से हम पार्ट लगा देते हैं। टाइम हमें पता नहीं है, फॉर्मूला हमें किसका लगाना है, अमाउंट का, क्योंकि हमारे को अमाउंट दिया हुआ है। तो ए पी वन प्लस आर टी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट का। तो पी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, एक्स, अमाउंट कितना है 4x, रेट हमको 0.1, टाइम नहीं पता, तो हमें टी ही निकालना ही है। तो ये x फिर से आके कर देंगे डिवाइड में, देंगे 4x डिवाइड में x, और ये 1 प्लस 0.1 टी, ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू 1 प्लस 0.1 टी आ जाएगा। तो ये प्लस वाली चीज़ इधर आके माइनस हो जाती है, 4 माइनस 1 0.1 टी, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 0.1 टी, तो टी बराबर है 3 डिवाइड में 0.1, ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड कर दी, पॉइंट हटाओगे तो 0 लगा दोगे, तो 30 ईयर आ गया। इसका मतलब आप आज कुछ पैसा लगाते हो तो 4 गुना कम मिलेगा 30 सालों के बाद, 30 साल लग जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 4 गुना पैसा करने में। थैंक यू।